बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ आपके खिदमत में कराची सिंध वेदर अपडेट के साथ। सबसे पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल पाक वेदर मेड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मौसम की वीडियो की नोटिफिकेशन से दोस्तों आप रोज़ाना बाखबर रह सके। कराची सिंध वालों तैयार, मज़ीद मूसलाधार बारिश की पेशंगोई, लेकिन कहां कहां पर आज की वीडियो में इसके बारे में आपके साथ रिपोर्ट शेयर करूंगा। सबसे पहले मौसम की ताज़ा तरीन सूरताल के मुताबिक समंदरी तूफान शाहीन अब तेज़ी से बलूचिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इम्कान नहीं है कि यह समंदरी तूफान गवादर के करीब से गुजर के ओमान की साहली पट्टी से टकराएगा। गवादर पसनी में शदीद हवाओं के साथ आज रात मूसलाधार बारिश हो सकती है, जबकि समंदरी लहरें ऊंची रहेंगी। माहिगीरों से दरख्वास्त है कि गहरे पानी में जाने से गुरेज करें। बात करते हैं तो कराची सिंध के हवाले से, तो इस सिस्टम से जितनी बारिश की उम्मीद थी वहां पर नहीं देखने को मिली है। सिस्टम कराची सिंध से दूर निकल चुका है, लेकिन ज़ेरे असरात आज दोपहर से लेकर इस वक्त तक सिंध के मगरबी बालाई कुछ साहली पट्टी पर वक्फे से कहीं तेज़ तो कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। कराची की बात करते हैं तो शहर कराची के भी मुख्तलिफ इलाकों में सिस्टम के ज़ेरे असरात कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। कराची में आज रात तक कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश के मज़ीद इम्कान रहेंगे। इसके अलावा सिंध के दीगर हिस्सों में भी गरज चमक के साथ बारिश के कुछ इम्कान मौजूद हैं। बाद में मानसून सिस्टम इख्तदाम पज़ीर हो जाएगा, जबकि मौसम खिज़ां का आगाज़ हो जाएगा। इंशाल्लाह इसकी मज़ीद अपडेट हम आपको देते रहेंगे, मज़ीद होगा वही जो अल्लाह ताला चाहेगा। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइट मीन थंडरस्टॉर्म बारिश के मतलब रोज़ाना मौसम की अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पाक वेदर मेड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।